और भाई देखो भाई कितनी धुन निकल रही है इसमें से, सारे हाथ गंदे हो गए। और भाई ये रहा आई थिंक ये राइटर है या राइटर है शायद, है ना कंप्यूटर का। तो भैया पहले यूज होता था बहुत और अब भी शायद यूज होता है, लेकिन भाई अब तो सबके पास लैपटॉप आ गया तो भैया कोई इसका यूज नहीं करता। ठीक है तो फिर भाई यहाँ रखते हैं। देखो भाई मतलब भाई क्या है, हल्की फुल्की सी पावर सप्लाई है, ठीक है ना। तो भैया मैं जा था रास्ते में तो गाइस एक शॉप पड़ी वहां पर कबाड़े की, तो मुझे लगा मेरे मतलब कुछ सामान मिल जाए, मैं एक बार देख लेता हूँ। वैसे मैं अंदर गया और देखिए मुझे भाई दो चीज मिली वहां से, गाइस मैं लेकर आया। भाई अगर आपके पास ये है ना ये पावर सप्लाई, तो भाई आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं, यानी कि कोई ट्रांसफार्मर कोई और सप्लाई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कई सारे काम ही कर देगी भाई साहब। देखिए भाई ये रहा 220 वोल्ट एसी, और भाई ये काफी पुरानी है देख रहे हो, और देख सकते हो भाई 5 वोल्ट दे देगी, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, और भाई अच्छे एम्पीयर भी देता है। देखो 31 एम्पीयर, 32 एम्पीयर, 17 0.2 देगी भाई, करंट काफी है। देखिए लोड देख सकते हो। अब गाइस ये देखना कि भाई चालू है नहीं चालू है, वो तो भाई जब टेस्ट करेंगे तभी पता लगेगा। भाई अगर ये चालू हो गया ना भाई साहब मतलब मजे आ जाएगा। गाइस हम इससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं, कोई भी चला सकते हो क्योंकि 12 वोल्ट भी गाइस करंट काफी अच्छा प्रोवाइड करती है। तो भाई पहले जो हम क्या करेंगे भाई, पहले इसकी जो है ना केबल देखेंगे, ये जो केबल है ना। हाँ गाइस मैंने आपको ये नहीं बताया कितने की मिली है, हाँ गाइस करो कितने की मिली है। पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ, तोल के आपको दिखाता हूँ, है ना। ये है धर्म काटा, भाई साहब अंदाजा लगाना ये कितने की मिली है। तो पहले मैं इसे रख के दिखाता हूँ, देखो 792 ग्राम, और भाई साहब ये रहा 600। चलो मैं आपको दोनों चीज तोल के दिखाता हूँ। गाइस कुल 1.5 किलो, बल्कि 1.5 किलो से भी 50 ग्राम कम है भाई। ओ भाई यकीन नहीं करोगे गाइस मुझे कितने की मिली है भाई, चलो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे गाइस मैंने टाइटल में लिख दिया होगा, लेकिन फिर भी है एक्साइटमेंट तो गाइस होता है भाई, सोचा कि मैं आपको जरूर बताऊंगा भाई जल्दी, है ना। तो गाइस ये मिला मुझे सिर्फ 50 रुपए में, ठीक है काफी हल्का फुल्का है। तो मैंने कहा था ये कहां से मिला है, तो कह दिया लोट के लोट आते हमारे पास, तो ये कुछ पड़े तो अभी नहीं ले जाओ कोई दिक्कत, ठीक है भाई 50 रुपए का मिला मेरे को। और गाइस इसके रेट बताओ भाई, बता दूं। अरे भाई साहब सिर्फ 100 रुपए गाइस मुझे सप्लाई मिली, उन्होंने तोला की भाई हक दे रहे थे, उन्होंने तोला की 700 आई थिंक 750 ग्राम बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है ना, तो भाई उन्होंने कहा कि 100 रुपए दे दीजिए। तो आई थिंक गाइस इन्होंने 100 रुपए लिए हैं, तो भाई जो तार वार है ना इसकी वजह से भेज गए, तार की वैल्यू है, लेकिन भाई उनकी नजर में इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो गाइस काफी चीजें सस्ती मिल जाती है कबाड़े में, तो भाई नई मत लगाओ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है और गाइस आपका काम हो जाएगा पुरानी से, तो गाइस मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँ भाई साहब एक बार जाओ कबाड़े में और भाई मुंह मार के, हाँ कबाड़ा मतलब मुंह मारने मतलब ये है कि भैया नजरे जो है ढूंढते रहते हैं भाई साहब, लेकिन भाई मुझे ही नहीं पता कि भाई ये ठीक है या खराब है, दोनों मुझे नहीं पता कि भाई ठीक है या खराब है। ठीक है तो भाई चेक करके देखेंगे यार, पहले से चेक कर लेते हैं भाई, इस पे कुछ सन भी लिखा है, ये क्या लिखा है इस पे 11 तारीख 6 महीना, और ये नहीं पता लगे क्या है, ये कौन सी डेट है पता ना कौन सी, खैर छोड़ो भाई हमें क्या मतलब, लेकिन भाई ये बहुत काम की चीज, अगर भाई साहब ये चल गए ना तो भाई यकीन मानिए मजा आ जाएगा, है ना। और भाई कितने वाट की तो देख लेना, क्योंकि भाई ये वाट के हिसाब से आती है, 400-500 वाट की तो होगी आई थिंक, इतना एम्पीयर दे दिया आउटपुट। ओ भाई ये 450 वाट पावर मैक्स, अरे वाह हम इतने खुश हो रहे हैं भाई, अगर ये चल गए ना तो खुशी का डबल, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और फौजी भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हो, रील देख रहे हो नहीं। और माइंड वाला गेम खेल रहा, अरे वाह गेम भी का कौन सा खेलने दे गाइस, माइंड वाला गेम खेलने जब ये कौन कहते इतना माइंड कहाँ से आया, तो गाइस इनसे भी आप प्रेरित होकर भैया माइंड वाले गेम खेलो। ठीक है अब इसकी टेस्टिंग पर आते हैं, तो भैया पहले इसका जो है ना तावा ढूंढते, जो इसमें केबल लगेगा ना, हाँ देखिए वरना का केबल ना मिला ना भाई साहब आप जानते क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे जुगाड़, तारों के शहर में चलते हैं भाई, यहाँ पे है कुछ वैसे तो भाई पता नहीं लगेगी। देखो भाई ये है तारों का शहर, अगर भाई आप पूरी गैलेक्सी देखने तारों की तो आपको भाई दिखाएगा, पहले यार इसमें से देख लेते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं, मतलब इसमें रखी तो होगी काफी टाइम हो गया, मैं डाल देते हैं ना कोई जैसे कि कोई भी वायर सार होता है जिसकी मेजर ना पड़े लेकिन पड़ सकती है भाई चांस, अरे वाह भाई मिल तो गई लेकिन यार ये पता ना खराब है ठीक है जो बात है, खैर जो बात है भाई साहब इसे यहाँ रखते हैं फिलहाल, ये फौज भाई ने बहुत अच्छा लगाया, चले भाई अरे वो भी लगा दे, अच्छा वो मैंने निकाल कर दिया, थैंक यू सो मच मेरा कि भाई मैंने केबिल निकाल कर रख दिया। और भाई साहब टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं, फौज भाई वोट लगाओ फटाफट भाई, देखो यहाँ भी करता धरता जो है फौज भाई है, अगर चल गया भाई तो मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा, चल झूठा आ जाना पता वही है मुझे, यहाँ खिलाओ। अरे अमन भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अरे बहुत दिन बाद आए भाई अमन भाई, अमन भाई कैसे हो भाई, देखो ये कोई व्लॉग प्लानिंग नहीं है अमन भाई, मैंने बुलाया था मैं, देखो अपना भाई आज अचानक से प्रकट हो गए, काफी दिन से जो है ना व्लॉग में दिखाई नहीं दे रहे थे भाई, भाई कुछ सामान चाहिए पहले मैं सामान देता हूँ फिर रवाना करता हूँ, उठ पाए वैसे भी रेगिस्तान हो रहा है इस टाइम, गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, कैसी तबीयत है बढ़िया, चलो भाई तो मैं देखता हूँ पहले, तो भाई मैं इनका काम करके आता हूँ पहले फटाफट, ठीक है फिर मिलते हैं। हाँ तो चलेगा स्प्राउट्स की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है भाई ये चल जाए तो भाई मौज आ जाएगी, ओ वैसे गाइस मुझे लग रहा है कि भाई ये चल जाएगी शायद, पर गाइस ये खोल ली है देख सकते हो, क्वालिटी चेक पास्ट, जिसने भी खराब है फेल कर दिया है यार, पहले एक काम करते हैं कि भाई इसे पहले खोल के देख लेते हैं, इसमें कुछ उड़ावा तो नहीं है कुछ भी, तो ये तो 400 खुल जाती है,
ओ माय गॉड, ये तो यार ठीक ठीक से लग रही है बॉस। गाइस मैंने उनसे पूछा था ये आपके और हैं, मतलब और भी सप्लाई हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं और नहीं है, ये तो हमने तोल में ले ली थी, मतलब कि 35,000 रुपए गाइस वो तोल में ले ली थी, तोल में थी। मैं कहा चलो भाई बढ़िया कोई बात नहीं। और भाई उन्होंने पता हमें क्या रेट दी, ठीक है, तोल के दी थी उन्होंने, तोल के देगा था। आई थिंक ये वायर की इसकी बॉडी की कर रही थी कि भाई कितने का बैठेगा हमारा। तो गाइस ये भैया जो कबाड़ वाले भैया होते हैं ये भी आगे भेज देते हैं, तो भैया नसीब वाली बात है ना, ये सारा खेल नसीब का। गाइस कोई चीज मिल जाए हमें मस्त थी। सबसे लगा चेक कर लेते कि भाई इसमें करंट तो यार बॉडी में, कई बार ऐसा हो जाए कि हमें जिंदगी में करंट ही ना लगे, समझ के समझने वाले। चलो बॉडी से टच हो रहा, ठीक है, हाँ ये तो अर्थिंग है ना, ये अर्थ का है तो इसमें तो करंट नहीं आएगा। नहीं ये लगा है, नहीं है, सही है, तो भाई इसमें करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इस वक्त दुनिया के सबसे सुरक्षित चैनल देख रहे हो। ओ भाई डाउन हुई लाइट, इसे लगाते ही जो एलईडी की हल्की सी ब्राइटनेस ना वो हल्की सी कम हुई है। हाँ भाई चल गई, मतलब गाइस ये पावर तो भाई ले रही है ना, जैसे गाइस हम कुछ चीज चलाते हैं ना, जैसे परेश चलाते हैं, तो भाई 450 वाट की है, तो गाइस हल्की जो लाइट को हल्का सा इफेक्ट आता है आपको कैमरे दिखाई नहीं देगा लेकिन हुआ है। तो भैया आप चला के देखते हैं इसे, ये वैसे चलेगी कैसे, आई थिंक ये ऐसे नहीं चलती, इसका जो है यहाँ से तार मिलाने पड़ेंगे, ग्रीन वायर होता है देखिए वाला, ग्रीन वायर ये, अरे ये वायर जो ब्लैक वाला ना, एक ही वाला अरे ये ग्रीन वायर, इन्हें आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो भाई ये रहा तार जो की कर देगा तार तार। तो भाई चल गई, अरे वाह भाई हवा तो आ रही है, अरे वाह, अरे भाई साहब। तो गाइस आज भैया सब लड्डू खाने, और पता गाइस वही है नया वाला, पुराना वाला तो गाइस सबको पता चल गई थी, तब ने पता चेंज कर दिया। अबे साले, तो गाइस ये तो काफी मस्त है बॉस। अब इसके यार वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं ना, तो इसमें जो वोल्टेज लिखे थे ना भाई, लिखे थे 5.3, मतलब 12 वोल्ट के मैक्स है, 5 वोल्ट यूएसबी के इसमें दे रखे हैं, तो भाई इसके जो ना वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे इसका। तो भाई वोल्टेज चेक करने का भी मामला, ये निकल के बंद हो जाता है, देखो चल गया, एक ग्राउंड लेते हैं, कोई से भी ग्राउंड पकड़ लेंगे, जैसे भाई सपोज करो चलो ये ग्राउंड पकड़ लेते हैं, ठीक है, और तो सब इसकी ग्राउंड ही है, और ब्लैक को छोड़ के सारे वायर टेस्ट कर सकते मैक्सिमम का इसमें 12 वोल्टेज है ना, तो देखते भाई कितने मैक्सिमम दिखा रहा है। तो भाई देखते हैं, हाँ ये गाइस देखिए ये 5.14, चलिए गाइस आप इस आराम से मोबाइल चार्ज कर सकते हो, कि करंट कितना है, करंट यार इसमें ज्यादा नहीं है लेकिन 2 एम्पियर इनफ है, फिर भी ठीक है, करंट मतलब 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो आपको आराम से मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो गाइस एक फायदा भाई इसका ही हो गया, भाई आप अपना मोबाइल इससे चार्ज कर सकते हो, तो यहाँ पे यूएसबी लगा लो इमरजेंसी में, गाइस अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, थोड़ा बैठ जाए वरना दिक्कत आएगी, बड़ा पा गया। गाइस वोल्टेज चेक करते हैं, तो 5 वोल्ट हमने देखे, ठीक है यार इसमें काफी अलग अलग टाइप के वोल्टेज आते हैं, तो गाइस आप इसे वेरिएबल पावर सप्लाई की तरफ यूज कर सकते हो, लेकिन देख भाई अपनी मर्जी से ही है, देखिए ये है 12 वोल्ट, लेकिन इसमें पूरे 12 नहीं आ रहे हैं, 11.87, लेकिन ये अप्रोक्स 12 ही है, अच्छी बात नहीं है, जबकि ये थोड़े से ज्यादा होने चाहिए थे, देखिए दोनों पपाई से 11.81, ये है 3.3, ये 3.3 वाला 3.8 दिखा रहा है, थोड़ा सा इसमें फर्क आता है यार, है ना, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसमें देखो 5 वोल्ट आ रहा है, इसमें 5 वोल्ट आ रहा है, 5 इसमें, 5 इसमें, कुछ नहीं, इसमें है ही नहीं तार, और इधर होगा कुछ, इतना वोल्टेज आउटपुट दिखा रहा है, ये रहा सब वही है गाइस, जितने भी सारे वोल्टेज दिखा रहा ना सब इसके ऊपर मेंशन है, इस सारे वोल्टेज में ऑलरेडी मेंशन है, ज्यादा वोल्टेज मिले नहीं और मिलेंगे भी नहीं। गाइस एक बार जो ना करंट भी चेक कर ले, इतना हाई करंट होगा तो भाई तार मार लगनी चाहिए, हाँ भाई लग तो रहा करंट, देख रहे हो, ओह हो हो ये गर्म हो गया, चलो भाई देखते हैं, देख रहे हो भाई, भाई ये वाला तार भी गर्म हो गया बहुत ज्यादा, वाह वाह विद प्रैक्टिकल भाई साहब, किसने भी आज तक करके नहीं दिखाया, देखो देखो वाह, अरे हे भाई बस हटाओ, हाँ समर भाई हमें पता लग गया भाई, ये सप्लाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। हाँ तो भाई पावर तो है भाई साहब, आपको माननी पड़ेगी भाई पावर तो है, तार में धुआं निकाल जाएगा, ये बात है, पूरे स्टूडियो भाई धुआं धुआं हो जाएगा, और भाई कम से कम 1-2 घंटे तक इसमें आराम से स्मेल आते रहेगी, पता स्मेल का मजे लो। ये रहा भाई साहब 550 मोटर, फौजी भाई पकड़ने जा रहा है, पकड़ूंगा हमारे फौजी भाई, चलो इसमें लगाते हैं, ये भी तो एक ही बात है, ओए घूम गया देखो, आये हाय चीखे निकल रही है, चीखे मोटर की चीख सुनो गाइस आप, तो गाइस जो बात है काफी मस्त घूम रहा है मोटर। तो गाइस सबसे बेस्ट पार्ट तो भाई ये लगा कि भाई बहुत मस्त चीज मिली है इतनी सस्ती गाइस, तो भाई काफी लोग कहते हैं समर भाई तुम कबाड़े हो गए, अरे भाई बहुत अच्छी चीज है, ऐसी बात नहीं यार, बहुत सारी काम की चीज मिल जाएगी, मेरा जो काम है देखो मेरा जो समय पर चैनल है ना, मैं कुछ प्रोजेक्ट बनाते रहता हूँ, तो भाई मेरा काम ये है गाइस मैं पुरानी चीजों को कुछ नया करूँ, उन्हें कुछ नए तरीके से बनाऊँ, है ना, या कुछ उनसे यूजफुल चीज बनाऊँ, तो भाई मैं अरब से नहीं, मैं ना गाइस आपको पहले ब्लॉग बना चुका भाई, मैं पहले से कबाड़ में जाता हूँ, अब से मैं पहले से कबाड़ में जाता हूँ, ठीक है, पता अब मैं दिखाने लगा हूँ, बात ये अलग है, तो भाई ऐसी चीज में ढूंढता रहता हूँ। गाइस कोई भी कमेंट करो यार,
मतलब किसी भैया के घर पे मतलब काफी बड़ा सा कबाड़ा है कोई, मतलब कि भाई देखने दिखाने लायक चीज है भाई साहब। गाइस मेरा मन करता है कि मैं आपसे बात करूं कि भाई आपके आसपास कोई ऐसी मस्त शॉप है, ऐसी मस्त कोई कबाड़े की दुकान है, मतलब ये जो कबाड़े की दुकान हो गई या पुराने सामान रखते हैं कोई ऐसी मस्त शॉप हो भाई, इस पे मतलब ऐसी तो चीज मिला भाई, मजा आ जाए देख के। तो गाइस मैं जरूर आऊंगा। गाइस प्लीज आप कमेंट करके बताओ अगर आपके घर के आसपास मतलब की बड़ी सी शॉप होनी चाहिए मस्त, और वहां से गाइस मैं कितनी सारी चीजें लूंगा और उससे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा नए नए, मतलब यार मजा आता है जो बात है ना। और भाई एक हमें मिला है देखो यार, ये दिक्कत है कि भाई ये जो है ना यार चलने का नहीं, क्योंकि इसका जो है ना थोड़ा अलग है, जिसके सॉकेट है ना देखो, हाँ आई थिंक ये पाव वाला केबल है छोटा वाला, और ये रीड का राइट का शायद ये वाला जो दोनों है ना। प्रॉब्लम गाइस ये कि मेरे पास की भाई लीड नहीं है, देखो ये इसमें नहीं लगेगी, हाँ ये लग सकती है भाई, लेकिन यार ये पावर तो नहीं देगी, दिक्कत तो ये है भाई। देखो अगर मैं इसे लगा भी दूं ना, देखो भाई ये तो लग गई, लेकिन भाई पावर तो इससे मिलती है, बहुत आफत है। तो भाई इसी भी देखते हैं कि यार ये इसमें क्या है, इसके अंदर क्या निकलेगा। भाई ये तो ऐसा लगता है कि खुला भाई है पहली, हाँ सिंपल सी बात है भाई, कबाड़ा में आया तो खुला भाई होगा मोस्टली, मतलब चीजें होता है। और भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी सीडी डीवीडी नहीं है, ये इसका कार्ड है, और उसमें से हमारे कुछ काम की चीज निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इसे तो निकालो फिलहाल, इसके में कोई जरूरत है। यार मेरा मन करता है इसमें इस लेंस से कुछ बनाऊं भाई, मैंने यार काफी पहले प्रोजेक्ट सोचा था इस लेंस से, यार आज तक मौका नहीं मिला यार, बहुत सारे यार एक्सपेरिमेंट रहते हैं भाई बच्चे पहले मतलब लिखे हुए रहते हैं लिस्ट में पूरी पूरी, जब भी टाइम मिलेगा भाई मैं बनाऊंगा जरूर, ऐसी बात नहीं है भाई। ये वाला जो मोटर ना, ये मोटर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो है मैं देखिए जो पुली है भाई, ये अरे भाई इसका मोटर अलग है, इसका मोटर अलग है, इसका मोटर पूरा पूरा अटैच है, अलग से कोई मोटर नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, तब को तब पता लगेगी। ये गाइस शायद आप पहली बार देखोगे, वैसे मैंने एक बार जो सोनी का कैमरा खोला था ना हैंडी कैम, उसमें भी गाइस मैंने आपको दिखाया था ये मोटर, ये पूरी पूरी बॉडी इसका मोटर चलेगी। देखिए भाई साहब देखो, ये भाई BLDC मोटर है, ये मस्त है भाई साहब, देखो ये निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं निकल रहा भाई साहब। ओ भाई ये क्या है, इसका वायर है भाई, इसका मतलब खराब है, देखो इसमें से आवाज भी आ रही है आपको, शायद देखिए सुनो ध्यान से दुनिया वालों को, दुनिया दिन नाम पे डालो यार लौंडा, BLDC मोटर इसके ऊपर का यार जो टोल है भाई, ये मैं यार ये खुलेगा बड़ी दिक्कत है भाई, निकल जाना चाहिए यहाँ से, हाँ निकलता जाएगा यहाँ से, इसके ससुर देकर भी जाओ यार, अगर इसका सॉकेट होता भाई साहब मैं आपको यार चला के दिखाता भाई पक्का बिल्कुल। लेकिन भाई क्या करें है ही नहीं यार, क्या कर सकते बताओ। लो भाई साहब बिल्कुल साफ सुथरा भाई साहब, देख रहे हो लौंडा अंदर से बिल्कुल इसके अंदर फंस रहा है, देख रहे हो ये बंदे पूरा, आई थिंक चिपक रहा है, इसे भी करते हैं रुक जाओ अभी, देखो भाई लोगो ये बढ़िया था गुरु वैसे है, और इसके भाई बॉडी काफी मजबूत है भाई। लो भाई निकल गए, देखो ये ऐसे देखो भाई ये मैग्नेटिक है, ये नीचे चला जाता है ठीक है, ये ऊपर रहता है, जैसे ही सीडी में लगाते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, और भाई इससे चिपक के ऐसे सीडी रुक जाती है, और भाई ये पूरा घूमता, पर ये बेकार हो चुका है, आई एम सॉरी इज नो मोर। एक मोटर ये रहा, और भाई ये भी एक मोटर है, छोटा सा नन्ना मुन्ना था भाई, ये वाले मोटर ना बहुत निकाल लेगा, ये देखो ये वाले जो मोटर होते हैं ना छोटे वाले भाई, ये मोटर हमने निकाल बहुत लिया, भाई इनकी पता नहीं सकती किधर के सुतरे, ये वाले मोटर चला के देखे उस्ताद पहले से निकाल लें, ये जो ना कहीं से ऐसे करने से निकल जाता है शायद, हाँ देखना पड़ेगा इसका पॉइंट किधर है, हाँ देखो ये क्या निकला, ओए जादू भाई वाले जिस करो ना, ये भाई काफी मस्त लगते हैं, इनके अंदर ही वाशर जड़ा भाई, जैसे कि वाशर लेके पैदा हुए हैं ससुर। लो भाई हमने इसकी ट्रॉली निकाल ली लेंस की, और इसमें कुछ नहीं बचा इन गियर के, देखो इसे ऐसे लगा लेगा नीचे ऊपर, बस इतने काम करता है ऊपर नीचे। चलो भाई इसकी तो जरूरत है नहीं, और इस मोटर को चला के देखते हैं, ये रही पावर सप्लाई 5.4 वोल्ट, कितने एम्पियर हो रहे हो भैया। ओ भाई साहब जला, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, क्योंकि गाइस एम्पियर बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई हो रहे हैं। तो भाई तार अच्छे से मिला और ने मेरा हाथ जला दिया, अब ठीक है, अब ये गर्म नहीं होगा, ये चला गए थे, चल रहा है देखो, इधर से मैं कैसे दिखा सकता हूँ आपको, लगता गाइस ये दो नंबर से फेल हो गया, उल्टा करना पड़ेगा, नीचे को जाएगी ट्रॉली, ओ नीचे नहीं जा रही, दगा दे गई, देखो भाई मस्त। चलो खैर छोड़ो, इसको देखते हैं गाइस, देखो इसका मोटर चल जाए ना भाई, ये जो मोटर है देखो क्या क्यूट सा मोटर है, अगर ये चल जाए तो, दिस इज नॉट BLDC आई थिंक, हाँ मुझे लगता है भाई ये BLDC शायद, क्योंकि गाइस थोड़े से देखिए थोड़े से एम पे ले रहा है, चलो थोड़ा नेक्स्ट, नहीं चल रहा बॉस, आई थिंक ये BLDC मोटर है, चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, बस थोड़ी सी रेस्पॉन्स तो दे रहा है गाइस, लेकिन चल नहीं रहा, दिल तोड़ दिया बॉस, जो बात है आई थिंक ये BLDC मोटर है, क्या ये सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर में गाइस ये सीधी चलती है, सर्वो मोटर का और इंडक्शन मोटर में क्या फर्क है, एक छोटा सा फर्क है, मोटा मोटा सा एक पॉइंट है, अगर आप तो चलाओगे कि भाई आपने देखा होगा जब आपने पावर देनी बंद कर दी तो भाई वो घूमते रहेगी थोड़ी देर के लिए, जो सर्वो मोटर है भाई जहां पर आपने उसे पावर देनी बंद करी वो भाई से वहीं रुक जाएगी, उससे आगे वो नहीं बढ़ेगी। तो फौज में बताएंगे इसके बारे में क्या समझ में आया, कुछ नहीं।
देखो गाइस जब पता नहीं हो ना तो यही बोल देना चाहिए कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच भाई, आपकी वजह से गाइस ये चीजें मिल रही है मेरे को, वरना गाइस मेरी क्या हैसियत भाई और मेरी क्या औकात गाइस मैं इन चीजों को लेकर आऊं। मतलब गाइस बेशक 100 रुपए की भाई लेकर तो आप ही गए हो, यहाँ पे मैं सोचा कि चलो भाई अपने भाई के लिए कुछ लेकर चलता हूं, तो गाइस ये मिली। तो भाई आप प्लीज जाइए और भाई ढूंढे चीज को अच्छे से और गाइस उनका यूज कीजिए, उन्हें रीयूज कीजिए। इससे भाई यही फायदा होगा, जो पुरानी चीजें उसका आप आराम से यूज करोगे, नई नई खरीदनी पड़ेगी, पैसे बचेंगे, प्लस जो पुरानी चीज उसका यूज होगा वो ऐसे धक्के खाते खाते नई फिरेगी चीज, ठीक है ना। कबाड़े में भाई भरे पड़े चीजें भाई, इतनी चीजें पड़े भाई कि माने गाइस आप यूज नहीं कर सकते इतनी चीजें भाई, आप कुछ भी चीज देख लो मोस्टली कबाड़ में मोटा छोटा आराम से मिल जाते हैं। तो गाइस आप जाइए लेकर आइए, उन पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाय चांस वो खराब हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, आग लग जाती है, भाई नए प्रोडक्ट को दुख होता है, लेकिन भाई पुराने पे दुख होता ही नहीं। तो गाइस पांच चीज लाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और भाई मजा उड़ाइए। तो गाइस आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, थैंक यू सो मच, दिल से आपने इतनी मोहब्बत इतनी प्यार दी। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए इस वीडियो को, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।